हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निर्भर एकेडमी। सो आज हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ए कंपोजिट वायर मींस आपने दो वायर या तीन वायर इसको आपने कनेक्ट किया, एक साथ लगा दिया, ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर, उसका जो डायमीटर है कितना है, 3.0 mm। मींस आपका क्या है उसमें, एक जो वायर है उसका जो डायमीटर दिया है वो आपका कितना दिया है, 3.0 mm। Consisting of a copper wire of length 2.2 meter and a steel wire of length 1.6 meter stressed under a load by 0.7 mm. Means आपका जो वायर में लोड लगा रहे, जो आप लोड कौन कौन से लेते हो, एक्सटर्नल लोड लेते हो वो लगा रहे, तो उसमें वायर में क्या रहा, खिंचाव आ रहा है, वो खिंचाव कितना दे रहा है, 0.7 mm। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द लोड given that young modulus of copper is 1.1 into 10 to the power 11 pascal and for steel is 2.2 into 10 to the power 11 pascal। okay students, so हमें given क्या क्या दिया है यहाँ पर, given सबसे पहले दिया है दो वायर कनेक्ट है जिसका डायमीटर दिया है कितना, 3.0 mm। तो डायमीटर ऑफ टू वायर्स कितना दिया इसको, मैंने मान दिया डी, डी इज इक्वल टू क्या है आपका, 3.0 mm। ठीक है, ये आपका मिलीमीटर है और आपको मैंने बताया कि जनरली जो यूनिट यूज करोगे वो क्या यूज करोगे, मीटर में यूज करोगे या मतलब ऐसा यूनिट यूज करोगे, ठीक है, और लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर में ही होता है। फिर आपको क्या क्या गिवन, अभी हम इसको मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट दिया है क्या दिया है आपको, लेंथ ऑफ कॉपर वायर, ये लेंथ ऑफ कॉपर वायर, ठीक है, उसको आपने ले लिया एल ऑफ सी यू, कॉपर एल ऑफ सी यू मीन्स लेंथ ऑफ कॉपर वायर, ये आपको कितना गिवन है, 2.2 मीटर। ठीक है, फिर आपको दिया है स्टील वायर का लेंथ दिया है, तो लेंथ ऑफ स्टील वायर, ठीक है, उसको आपने ले लिया एल, उसको मान लिया मैंने स्टील, स्टील इज इक्वल टू है 1.6 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या दिया है, आप उसमें क्या लगा रहे हो, लोड लगा रहे हो, वायर जिस कैसे कनेक्ट है आपके वायर। ओके स्टूडेंट, सो आपको जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा कि हमने दो वायर लिए हैं, जो कि फर्स्ट वायर है कॉपर वायर जिसको हमने मेंशन किया है LCU, और दूसरा वायर है वो स्टील वायर है जिसको हमने मेंशन किया है एल ऑफ स्टील। ठीक है, अब उसके बाद आपने जैसे ये फोर्स लगाया, फोर्स आपको दिख रहा है, फोर्स लगाने के बाद जो लेंथ आपका चेंज हो गया, कितना लेंथ चेंज हो गया, डेल्टा LCU प्लस डेल्टा LT, इसका रीजन क्या है कि दोनों एक साथ क्यों चेंज होंगे, क्योंकि आपका क्या हो रहा है कि दोनों कनेक्टेड है वायर और दोनों का डायमीटर क्या है वो सेम है, जो कि हमने पहले ही मेंशन कर दिया था। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि इसमें आपको गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्टील वायर ऑफ लेंथ ये स्ट्रेस अंडर ए लोड बाय 0.7 mm। नॉर्मली जो बच्चे इसको समझेंगे कि वेट है, एक्चुअली वेट नहीं है आपका, ये स्ट्रेस हो चुका है, स्ट्रेस किसके फॉर्म में आएगा, डेल्टा ऑफ एल सी यू प्लस डेल्टा ऑफ एल स्टील। सो यहाँ पर आपको और क्या गिवन है, डेल्टा ऑफ एल LCU, okay, इसको हम स्मॉल एल ले लेते हैं, स्मॉल एल ले लेते हैं स्मॉल, प्लस डेल्टा ऑफ एल स्टील, ठीक है, ये आपको गिवन है 0.7 mm, और ये आपका क्या है, स्ट्रेस्ड लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, ओके। अब दूसरा आपको क्या गिवन है, यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर वायर एंड यंग मॉडुलस ऑफ स्टील वायर, ठीक है, तो ले लीजिए यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर वायर
कॉपर 5, ये आपको कितना गिवन है, 1.1 इंटू 10 के पावर 11 पास्कल, और यंग मॉडुलस ऑफ स्टील वायर, स्टील वायर इज इक्वल टू है 2.2 इंटू 10 के पावर 11 पास्कल। ठीक है, इसको आपने मेंशन कर दिया वाई सीयू, इसको आपने मेंशन कर दिया वाई स्टील या वाई एस्टिक। ठीक है, ये हमें क्वांटिटी अभी पता है। अब हमें क्या करना है, जो डायमीटर है उसको सबसे पहले कन्वर्ट करना है रेडियस में। सो स्टूडेंट, हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं रेडियस ऑफ वायर। ओके, तो निकाल देते हैं रेडियस ऑफ वायर, इसको ले लेते हैं आर। आर इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर बाय टू। ओके, सो डायमीटर कितना आपका 3.0 mm बाय टू। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1.5 mm। अब 1 mm में आपका कितना मीटर होता है, 10^-3 मीन्स 1 mm इज इक्वल टू कितना होता है, 10^-3 ऑफ मीटर। तो यहाँ रख दीजिए 1.5 इंटू 10^-3 ऑफ मीटर, ये आपका मिल गया रेडियस ऑफ द बोथ वायर। ओके, दूसरा, फर्स्ट तो हमारे यहाँ मिल गया, दूसरा एमएम में कौन सा था आपका, स्ट्रेस लेंथ। ठीक है, तो यहां से निकाल सकते हो आप डेल्टा ऑफ एल यू प्लस डेल्टा ऑफ एल स्टील इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.7 mm या 0.7 इंटू 10^-3 ऑफ मीटर। ठीक, ये वैल्यू हमें हो। अब हम इस क्वेश्चन को आगे करते हैं, ये तो हमारा जस्ट हमने गिवन दिया था कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन। एंड आपको अब पॉइंट आता है कि इसमें आपको निकालना क्या क्या है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में आपको निकालना है कि आपका कितना वेट लगाया जिसकी वजह से आपका इतना स्ट्रेस बन गया। ठीक है, तो हमें वो वेट को कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को पता है यंग मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है, यंग मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ। कौन सा स्ट्रेंथ, आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ। तो यहां से आप स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हो, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या आएगा, यंग मॉडुलस, मैं वाई से ले लेते हूं, वाई इनटू स्ट्रेंथ। एंड आपका स्ट्रेस कितना आएगा, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू वाई। स्ट्रेंथ कितना आएगा आपका, डेल्टा एल अपॉन, ये तो आपको फॉर्मूला मिल गया। फिर आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो क्या, एफ इज इक्वल टू, ये ए इधर ले जाओ, क्या आएगा, ए वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, सो ये बेसिक फॉर्मूला से हम कैलकुलेशन करेंगे, बट यहाँ से अभी आपका डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि आपको इंडिविजुअली डेल्टा एल दोनों का नहीं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं कि अगर हम वायर में स्ट्रेस लगा रहे हो तो दोनों में क्या लगेगा, इक्वली स्ट्रेस लगेगा। तो आप बोल सकते हो स्ट्रेस इन कॉपर वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, स्ट्रेस इन स्टील वायर। दोनों में जो आपका स्ट्रेस लगेगा वो क्या लगेगा, सेम लगेगा। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, तो वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। कॉपर वायर का स्ट्रेस क्या आएगा, वाई कॉपर वायर का डेल्टा एल कॉपर वायर का अपॉन एल कॉपर वायर इज इक्वल टू क्या है, स्टील का क्या आएगा, वाई स्टील का इंटू डेल्टा एल स्टील का अपॉन एल स्टिक।
कंफ्यूज रहे थे। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, डेल्टा एल कॉपर अपॉन डेल्टा एल स्टील को हम दे ले लेते हैं कैसे। आपका ये क्या था, इधर मल्टीप्लाई में था, राइट में डेल्टा एल स्टील, इसको हम डिवाइड में लेके जाएंगे। बाकी एल सी यू इधर डिवाइड में था, राइट हैंड साइड में क्या जाएगा मल्टीप्लाई में। वाई सी यू इधर मल्टीप्लाई में था, राइट हैंड साइड में क्या जाएगा डिवाइड में, तो वाई स्टील क्या आएगा अपॉन वाई कॉपर इनटू एल कॉपर अपॉन एल स्टील। ओके नाउ, अब आपको वाई स्टील गिवन था, एल वाई कॉपर गिवन था, लेंथ ऑफ कॉपर गिवन था, लेंथ ऑफ स्टील गिवन था, तो आप निकाल सकते हो, आप रख दीजिए यहाँ वैल्यू। वाई ऑफ स्टील कितना था आपका, अप्रोक्स था 2.2 समथिंग। ठीक है, सो था ये आपका 2.2 × 10^11 अपॉन, इसका था 1.1 × 10^11, और ये था एल सी यू 2.2 मीटर, और ये था 1.6 मीटर। ठीक है, यूनिट आपके कैंसिल हो गई, तो ये जो वैल्यू आएगी अप्रोक्स आएगी 2.5, यूनिट लेस होगा क्योंकि इसका यूनिट यंग मॉडुलस का कैंसिल हो गया, लेंथ का कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ ये यूनिट लेस हो गया, क्या आ गया डेल्टा ऑफ एल कॉपर अपॉन डेल्टा ऑफ एल स्टील। अब स्टूडेंट हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा ऑफ एल कॉपर को निकाल सकते हैं, डेल्टा ऑफ एल स्टील को ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई 2.5 डेल्टा ऑफ एल स्टील। सो ये हमारा बेसिक रिजल्ट आ गया। अब हमारा इसके रिजल्ट से क्या फायदा होगा, क्योंकि हमें पहले से पता है डेल्टा ऑफ एल कॉपर प्लस डेल्टा ऑफ एल स्टील कितना था आपका 0.7 × 10^-3 मीटर, क्या गिवन था आपका डेल्टा ऑफ एल कॉपर डेल्टा ऑफ एल स्टील इक्वल टू क्या था 0.7 × 10^-3 मीटर। तो यहाँ पर डेल्टा ऑफ एल कॉपर की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, क्या आएगा 2.5 × डेल्टा ऑफ एल स्टील प्लस डेल्टा ऑफ एल स्टील इक्वल टू क्या आएगा 0.7 × 10^-3 मीटर। तो यहां से आप डेल्टा ऑफ एल स्टील को कॉमन ले सकते हो, क्या आएगा 2.5 + 1 यहाँ पर बचेगा, इक्वल टू कितना आएगा 0.7 × 10^-3 मीटर। तो 2.5 + 1 कितना आएगा 3.5, 3.5 डेल्टा एल स्टील इक्वल टू कितना आया 0.7 × 10^-3 मीटर। अब यहां से निकाल सकते हैं डेल्टा ऑफ एल स्टील इक्वल टू कितना आएगा 0.7 × 10^-3 मीटर डिवाइडेड बाय 3.5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये आएगा अप्रॉक्स 2.0 × 10^-4 मीटर, ये आपका रिजल्ट डेल्टा ऑफ एल स्टील। फिर अभी आपने फॉर्मूला देखा था डेल्टा ऑफ एल कॉपर इक्वल टू कितना था 2.5 × डेल्टा ऑफ एल स्टील। ठीक है, तो रख दीजिए यहाँ वैल्यू 2.5, डेल्टा ऑफ एल स्टील कितना है 2 × 10^-4 मीटर, तो कितना आया आपको 5.0 × 10^-4 मीटर डेल्टा ऑफ एल कॉपर। सो ये निकल गया आपका रिजल्ट। अब आपको याद आ रहा होगा कि जब मैंने फॉर्मूला डेराइव किया था फोर्स का, फोर्स का फॉर्मूला क्या निकला था, क्या आया था एफ इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ
इंटू डेल्टा एल अपॉन इस तरीके से था। अब यहाँ पर दोनों में फोर्स क्या लग रहा है, इक्वल लगेगा, तो मैं चाहे इसमें कॉपर कर लूँ चाहे मैं स्टील कर लूँ, दोनों में इक्वली आएगा, तो उसको ले लिया ए। वाई वाई कितना था आपका, कॉपर का ले लेती हूँ मैं, वाई कॉपर इंटू डेल्टा एल कॉपर अपॉन एल ऑफ कॉपर। ए एरिया कैसे निकालेंगे हम, पाई आर स्क्वायर, वाई ऑफ कॉपर कितना था 2.2 इंटू 10^2 11 इंटू डेल्टा एल कॉपर कितना आया 5.0 इंटू 10^-4 लीटर, और ये आया था आपका अप्रॉक्स। क्वेश्चन सो ये हमारा 2.2 में था, ये हमारा था 1.2 अपॉन 2.2। ओके अब यहाँ पर रखना है, हमने रेडियस की वैल्यू निकाली थी, रेडियस की वैल्यू कितनी थी आपकी 1.5 इंटू 10^-3 का होल स्क्वायर, और ये है 1.1 इंटू 10^11 इंटू 5.0 इंटू 10^ माइनस जो 10^-4 मीटर अपॉन 2.2। अब इसको जैसे आप सॉल्व करोगे जो वैल्यू आ जाएगी इसकी आएगी 176.8 ऑफ न्यूटन। ठीक है, तो ये निकल गया आपका फोर्स, यही हमें निकालना। अगर हम इसको स्टील के फॉर्मूले से अगर हम इस फोर्स निकालते हैं तो भी आपका फोर्स क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों पे क्या लग रहा है, इक्वल फोर्स है। एंड यहाँ से आप पाई की वैल्यू रख सकते हो, पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी, पाई इज इक्वल टू 22y7 या 3.14, दोनों में से कोई भी वैल्यू रखे एंड आंसर निकल। हेलो स्टूडेंट्स, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है टू पैरेलल एंड अपोजिट फोर्सेस इज 5000 न्यूटन आर अप्लाइड टेंजेंशियली टू द अपर एंड लोअर फोर्स ऑफ ए क्यूबिकल मेटल ब्लॉक, किस उसका साइड दिया है 25 सेंटीमीटर ऑन साइड, फाइंड द एंगल ऑफ शेयर एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर सरफेस रिलेटेड टू द लोअर सरफेस एंड शेयर मॉडुलस ऑफ द मेटल, जो आपको गिवन है कितना है 8 × 10^10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेयर जी इज एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, आपको आई गेस की शेयर मॉडुलस याद होगा, उसमें हमारा क्या अजम्पशन था, ये आप अपर सरफेस में आप फोर्स लगा रहे हो, कितना फोर्स लगा रहे हो 5000 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, या मीन्स आप पूरी बॉडी में लगा रहे हो। उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो लोअर सरफेस है, फेस है, वो आपका कांस्टेंट रहेगा, मूव कौन सा करेगा, अपर वाला मूव करेगा। ठीक है, कितना मूव करेगा, जो कि आपने देखा था डेल्टा एल, और इसका साइड जो आपको पता था साइड है इसका एल साइड है। ठीक है, और डेल्टा एल आपको कैसे निकालना था, विद द हेल्प ऑफ एंगल थीटा, उसको ही क्या बोला था, शेयर एंगल। सो बेसिकली आपको निकालना है यहाँ पर से शेयर एंगल, वेयर आपको क्या क्या गिवन है। सो स्टूडेंट हम ले लेते हैं, इसमें आपको गिवन क्या क्या है, गिवन है फोर्स एफ इज इक्वल टू 5000 न्यूटन। ठीक है, देन आपको क्या दिया है, साइज ऑफ ब्लॉक, ये आपको दिया है 25 सेंटीमीटर, उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए मीटर में तो कितना आएगा 25 × 10^-2 मीटर, क्योंकि आपको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 10^-2 मीटर, या 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 10^2 सेंटीमीटर। ओके एंड आपको क्या गिवन है, शेयर मॉडुलस, उसको आप लेते थे जी, जी इज इक्वल टू कितना है 8 × 10^10
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड क्या गिवन आपको जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप इसमें निकाल सकते हो शेयर मॉडुलस, आपको पता है कितना होता है शेयर मॉडुलस, ये आपको होता है कितना शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आप यहां से निकाल सकते हो शेयरिंग स्ट्रेंथ जो कि आपका क्या है यहाँ पर थीटा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा शेयरिंग स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या आएगा शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयर मॉडुलस। शेयरिंग स्ट्रेंथ कितना होता है आपका थीटा इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस, क्या आएगा फोर्स अपॉन एरिया, उसको मैंने ले लिया ए, अपॉन शेयर मॉडुलस क्या आपका जी। ओके, फोर्स अपॉन एरिया क्यूब है, उसका साइड क्या एल है, तो एरिया कितना आएगा एल स्क्वायर अपॉन जी। ओके, सो अब आप यहां से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, थीटा इज इक्वल टू। ओके स्टूडेंट, सो कितना आएगा अब हमारा वैल्यू। ओके, सो फोर्स की वैल्यू कितनी है हमारी 5000 अपॉन लेंथ कितना था 25 × 10⁻⁶ का होल स्क्वायर अपॉन जी कितना आपका 8 × 10⁻¹० ओके देन आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 5000 अपॉन कितना आएगा 0.0625 × 8 × 10⁻¹० ओके। इसको आप सॉल्व करोगे 25 × 10⁻², कितना आएगा 0.25, और 0.25 का मल्टीप्लाई करोगे दो बार तो क्या आएगा 0.0625। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू ये आएगा 80,000 अपॉन 8 × 10⁻¹० तो कितना आएगा 10⁴ अपॉन 10⁻¹० ये अप्रोक्स आएगा आपका 1 × 10⁻⁶। ठीक है, और ये आएगा आपका रेडियन। सो थीटा इज इक्वल टू आ गया 10⁻⁶ रेडियन, निकल गया आपका वैल्यू थीटा। अब आपको पता है शेयरिंग स्ट्रेंथ जो थीटा होता है, थीटा इज इक्वल टू आपने निकाला था डेल्टा एल अपॉन एल, तो यहां से आप डेल्टा एल निकाल सकते हो, डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना आएगा एल टाइम्स ऑफ थीटा। ओके, एल कितना था आपका 25 × 10⁻²⁪, थीटा कितना है 10⁻⁶, तो एल की डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 × 10⁻⁸ m। तो ये हमारा फाइनली निकल गया कि आपका फोर्स लगाने के बाद जो अपर पार्ट है कितना शिफ्ट होगा, वो शिफ्ट होगा 25 × 10⁻⁸ m, और कितना आपका एंगल के साथ शिफ्ट होगा वो होगा 10⁻⁶ m। सो मैंने आपका इस चैप्टर के बेस पे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाए हैं एंड आपको टॉपिक समझाए हैं। आपको अगर ये टॉपिक समझ में आया हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग ये वीडियो को दोबारा से देख सकते हो एंड इसके बेस पे असाइनमेंट क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।